रामानंद सागर की टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल में आज भी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि देखते हैं। लोग उन्हें प्रभु श्री राम जैसा ही मान देते हैं और उनके पैर छूने को आतुर रहते हैं, चाहे आम इंसान हो या फिर जगत गुरु। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्वामी जगतगुरु रामभद्राचार्य जी अरुण गोविल से मिलकर इतने भावुक हो गए कि उनके नेत्रों में आश्रू धारा बहने लगी। जी हाँ, इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस इमोशनल वीडियो में देखा जा सकता है कि भगवान राम के दर्शन करके जगतगुरु रामभद्राचार्य भी भावुक हो गए। जी हाँ, भागवत कथा कर रहे स्वामी जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के पास टीवी के राम यानी अरुण गोविल आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। जगतगुरु इतने भावुक हो जाते हैं कि उन्हें देखकर सीने से लगाकर रोने लगते हैं। काफ़ी देर तक वो अरुण गोविल को सीने से छुपाकर रोते रहे। ये नज़ारा देखने वाले आसपास खड़े लोग आश्रुपूर्ण नेत्रों से वहिंगम दृश्य को देखते रह गए। कुछ देर बाद जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने अरुण गोविल से कहा, तुम अभिनय कर, इन बंद आँखों से मुझे राम जी का स्वरूप दिखता था। इसके जवाब में अरुण गोविल इतने अभिभूत हो गए कि उनके मुख से मुश्किल से निकल पाया, बस आपकी कृपा है। इस मुलाकात के दौरान जगतगुरु ने अरुण गोविल से राम का संवाद सुनने को कहा। अभिनेता ने उनका अनुरोध माना और कुछ लाइनें सुनाई। उन्होंने कहा, जब अरुण गोविल राम का किरदार निभाते थे, प्रभु श्री राम का आवेश होता था। बता दें कि जगतगुरु रामभद्राचार्य जी जन्म से ही देख पाने में असक्षम है। 5 साल की अवस्था में उन्हें पूरी गीता कंठस्थ कर ली थी। 7 साल की आयु में उनको पूरी रामचरित्र मानस याद थी। उनका कहना है कि उन्हें अब सिर्फ कौशल्या कुमार राम चाहिए। काफ़ी कम आयु में ही उन्होंने राम कथा सुनाना शुरू कर दिया था।